Hello everyone, this is Akancha Rai, and I welcome you all to my channel. So, yes, I really hope that you all are doing very well. And with this, let us all start our chapter, which is how do organisms reproduce. Right? So, in this part, we are going to talk about the topic which will mainly be asexual reproduction. Okay. इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन राइट जो डिफरेंट पार्ट्स में मेरे वीडियोस रहेंगे सेशंस रहेंगे वीडियोस के सबसे पहले इस चैप्टर का जो पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो लेट अस ऑल स्टार्ट विद दिस टॉपिक विच इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर इस चैप्टर में देखें हमें पढ़ना क्या है तो वी विल गो विथ द टॉपिक रिप्रोडक्शन देन वी विल मूव टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हैं वो पढ़ेंगे हम एंड देन वी विल मूव टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पार्ट जहाँ पर वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स राइट तो सबसे पहले समझते हैं वॉट इज दिस टर्म रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर लिविंग ऑर्गेनिजम ऑफ इट्स काइंड तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है हमारे लिए फोकस जिस पर हमें करना है वो है ऑफ़ इट्स ओन काइंड राइट तो ठीक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सो वी आर राइटिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ऑर्गेनिज्म जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म को बेसिकली uh, और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं और जिन ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोड्यूस करते हैं वो उनके ही काइंड के होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैट है तो वो कैट को ही प्रोड्यूस करेगा वो डॉग को प्रोड्यूस नहीं करेगा राइट अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट को ही प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन जो है वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेंगे राइट तो इसी का इस बेसिकली इसी को हम कहते हैं ऑफ इट्स ओन काइंड अब कैट डॉग को नहीं प्रोड्यूस करेगा डॉग कैट को नहीं प्रोड्यूस करेंगे राइट अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हम ये वर्ड्स नहीं लिखते तो रिप्रोडक्शन एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो हम अपने जूनियर क्लासेस से प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर तो आई है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट हमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों को लेकर चलना है और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको भी क्लियर करना है राइट right? तो यहाँ पर सबसे पहले लेटस गो विद द डेफिनेशन विच इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट तो ये नोन है आप सबको आई नो कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं बेसिकली क्या यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन दैट इज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक अगर हम यहीं पर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो दिस यूनिपेरेंटल विल चेंज टू द टर्म बाई पेरेंटल मतलब ए मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक मेल एक फीमेल पर जब हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व ठीक है अब तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट हैं तो यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होना है जाइगोड का फॉर्मेशन नहीं होना है अगर आप इन सारे टर्म्स से फेमिलियर हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं फेमिलियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम इन सारे टर्म्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ओके तो यहाँ पर यहाँ पर एज बिकॉज सिंगल पेरेंट है तो गैमेट का फ्यूज़न नहीं होना है गैमेट का फ्यूज़न इज वॉट फर्टिलाइजेशन बेसिकली वो नहीं होगा नेक्स्ट जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा यहीं पर अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एज बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है तो यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है दोनों पेरेंट्स के थ्रू और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट का फ्यूजन होगा दैट इज मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोड का फॉर्मेशन होता है राइट right? तो यहां पर हम डिफ्रेंसिएट कर सकते हैं आराम से बिटवीन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओके नाउ मूविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो लेट अस गो टू द डिफरेंट पॉइंट्स। सबसे पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट फीजन राइट सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फीजन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फीजन बडिंग फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन देन वी विल गो फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन राइट तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विथ द टर्म फीजन ठीक एक टर्म होता है फ्यूज़न उससे हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज uh, नहीं होना है क्योंकि फ्यूज़न का मीनिंग होता है बेसिकली दो चीज़ों का मिलना फ्यूज करना बट हेयर इन टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास जो टर्म है वो है फीजन ठीक फीजन का मीनिंग जो है वो जस्ट ऑपोजिट होता है फ्यूजन से ये ध्यान रखना है जैसे फ्यूजन का मैंने मीनिंग बताया मिलना ओके जैसे गैमीट जो है वो फ्यूज हो रहे हैं मिल रहे हैं वैसे ही फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक करना टूटना स्प्लिट करना तो अब हम डेफिनेशन देखें तो वी हैव राइट हियर द डेफिनेशन विच इज इट इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इन टू टू और मोर दैन टू सेपरेट डॉटर सेल तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म है दोनों टर्म एज इन हमारे पास यहाँ पर टू सेपरेट डॉटर सेल्स बेसिकली या बेसिकली यहाँ पर टू ओके ओके वेट वेट टू और मोर देन वी हैव दीज टू वर्ड्स फीजन में जो यूनील्यूल ऑर्गेनिज्म है ये यूनील्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है तो जो यूनिसेलियल और ऑर्गेनिजम है वो या तो टू या तो दो से ज्यादा भी ओके टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स में सेपरेट हो सकते हैं ठीक अब यहाँ पर ये टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल्स के मीनिंग क्या है ये हम बात करते हैं तो वी कैन सी नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पर है इट इज डिवाइडेड इन टू विच फीजन जो प्रोसेस है अगेन डिवाइडेड होता है टू टाइप्स में जिसमें हमें पहला पढ़ना है बाइनरी फीजन और सेकंड जो हम पढ़ेंगे टाइप फीजन का इट विल बी मल्टीपल फीजन ठीक अब यहाँ पर हमें सिंपली वर्ड्स को कोरिलेट करना है बाइनरी मीन्स वॉट टू बाइनरी मीन्स टू तो जब ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करेंगे या स्प्लिट करेंगे तो वैसे फिजन को हम बोलेंगे बाइनरी फिजन सी बहुत सिंपल है समझना बिल्कुल भी यहां पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिंपली क्या हो रहा है अगर एक पेरेंट है और वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे हैं इन टू ओनली टू राइट तो ऐसे फिजन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन जस्ट सी दिस लाइन एंड ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स हाउ मेनी टू थ द नंबर टू ठीक तो यहां पर तो सिंपली हम ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे बाइनरी फीजन अब और इलाबोरेट वे में देखें तो लेटस गो विथ लाइंस फॉर द यहां पर है द फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई वी नो स्ट्रक्चर ऑफ सेल सेल में होता है न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फर्स्टली किस में टू डॉटर न्यूक्लियाई एंड इट विल हैव इट्स साइटोप्लाज्म वेल क्योंकि ये पूरा सेल uh, हो गया राइट right? यहाँ पर भी वी हैव सेल ये पार्ट जो है लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर दिस पार्ट इज वॉट न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस ने डिवाइड करके बना दिए दो न्यूक्लियाई राइट right?

ये हो गया न्यूक्लियाई का पार्ट अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद वी विल वी विल गो ऑन टू डिवाइड द साइटोप्लाज्म जो पेरेंट सेल है उसको हम टर्म दे रहे हैं मदर सेल जो पेरेंट सेल है उसको हम टर्म दे रहे हैं मदर सेल और ये डिवाइड होगा अल्टीमेटली दोनों में एक एक न्यूक्लियस जाएंगे दोनों सेल्स में और हमारे पास क्या मिल जाएंगे दो डॉटर सेल क्लियर वी हैव टू डॉटर सेल्स नाउ तो बहुत ही सिंपल है इसको समझना अस गो विद द एग्जांपल एमीबा एंड पैरामीसियम अब हम आगे देखें तो हे वी हैव एग्जांपल फॉर एमीबा एमीबा का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि बहुत ही रैंडम स्ट्रक्चर होता है इसका तो ये पेरेंट सेल है ठीक पेरेंट सेल में यू कैन सी दिस पार्ट इज न्यूक्लियस यू डोंट हैव टू गो फॉर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ओके बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये आप आराम से बना सकते हो इस डायग्राम को एंड इम्पॉर्टेंट भी है बहुत तो यहाँ पर दिस इज न्यूक्लियस लाइक द लाइन्स वी जस्ट स्टडीड कि न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली फर्स्टली डिवाइड करता है पेरेंट सेल का तो सी न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो चुका है दो न्यूक्लियस में अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना स्टार्ट हो रहा है सी यहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है जो न्यूक्लियस है वो थोड़े अपार्ट चले गए हैं अब थोड़े से दूर हो गए हैं दोनों और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना स्टार्ट हो रहा है और अल्टीमेटली वी कैन सी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो चुका है और हमें मिल गए हैं टू डॉटर सेल्स टू डॉटर सेल्स ठीक है तो ये पूरा जो डायग्राम है इट इज़ फॉर बाइनरी फीजन इन एमीबा बाइनरी फीजन इन एमीबा क्योंकि सिंगल पेरेंट जो है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहे हैं सेपरेट हो रहे हैं दो डॉटर न्यूक्लियाई सॉरी दो डॉटर सेल बेसिकली न्यूक्लियाई तो फॉर्म हो ही रहा है बट पूरा पूरे पूरे सेल फॉर्म हो रहे हैं यूनिसेल्यूर ऑर्गेनिज्म से है, तो कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म होगा एक सेल तो दो, दो डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट तो ऐसे फ्यूजन को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन ठीक है नाउ मूविंग टू सेकंड टाइप विच इज मल्टीपल फ्यूजन मैंने बताया कि फ्यूजन के टू टाइप्स हैं फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन एंड सेकंड इज मल्टीपल फ्यूजन अब वहां पर बाइनरी वर्ड से वी कोरिलेटेड व्हाट कि जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल को फॉर्म कर रहे हैं यहां पर मल्टीपल से आप तुरंत कोरिलेट कर सकते हो कि मल्टीपल फ्यूजन का मीनिंग क्या होगा मल्टीपल की सिंपल मीनिंग क्या होती है मेनी ओके okay? बहुत जब हम नंबर्स की बात करें तो हम यूज करते हैं टर्म मल्टीपल तो यहाँ पर सिंपली क्या है डिवीज़न ऑफ पेरेंट सेल इंटू सेवरल स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स और डॉटर सेल्स दो की बात नहीं कर रहे दो की बात हमने कर ली बाइनरी फीजन में अब यहां पर मल्टीपल फीजन में वी आर गोइंग विथ द टर्म इंटू सेवरल स्मॉल डॉटर सेल्स ठीक अब देखें यहां पर क्या होता है तो मल्टीपल फ्यूजन सॉरी मल्टीपल फ्यूजन के टाइम पे जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस का डिवीजन होना ही है राइट तो जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है पर वो सेवरल टाइम्स डिवाइड करेगा जब हमने बाइनरी फिजन देखा वहां पर न्यूक्लियस वन टाइम डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बना रहा है पर मल्टीपल के केस में जो न्यूक्लियस है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड करेगा सेवरल टाइम्स डिवीजन के लिए जाएगा एंड इट विल फॉर्म मेनी डॉटर न्यूक्लियाई नॉट टू नॉट टू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई ठीक है नाउ साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू एज मेनी पीसेस एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेटस से कि एक पेरेंट uh, सेल है एक पेरेंट सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो फिफ्टी टाइम्स डिवाइड कर रहा है राइट right? तो फिफ्टी टाइम्स डिवाइड करके वो नंबर ऑफ सेल्स उसने बनाए होंगे तो जितने सेल बने जितने सेल बने राइट right? उन सारे जो न्यूक्लियाई बने बेसिकली जो पेरेंट सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनाएगा और हर न्यूक्लियाई जो है वो बेसिकली क्या होगा सेल फॉर्म करेगा कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और जितने न्यूक्लियस होंगे उतने सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे ठीक जैसे फर्स्ट केस में बाइनरी फीजन में क्या था बाइनरी में दो न्यूक्लियाई थे और साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना लिए यहां पर लेटर से 50 न्यूक्लियाई अगर फॉर्म होते हैं तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करके 50 डॉटर सेल्स बनाएगा ठीक है तो ये याद रखना है डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फीजन नाउ गोइंग विद द एग्जाम्पल विच इज मलेरियल पैरासाइट जिसको हम जानते हैं प्लाज्मोडियम होता है आपने पढ़ा हुआ है राइट right? डिजीज कॉजिंग यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो मले, मलेरियल पैरासाइट है जो अंडर गो करता है मल्टीपल फीजन अब यहाँ पर अबाउट वन थाउजेंड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल जस्ट सी द नंबर बाइनरी फीजन से आप कंपेयर करो वहाँ पर टू डिजिट पड़ रहे थे हम टू और यहाँ पर वी आर सी लाइक वन थाउजेंड अबाउट उज डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल एक पेरेंट सेल से वन सेल्स तक बनते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन एंड ईच कैपेबल रेड ब्लड सेल क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की और हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स पे इफेक्ट डालते हैं जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट बेसिकली जिसके कारण हम सफर करते हैं विद द डिजीज मलेरिया ठीक है तो ये पूरी बात हो गई अबाउट मल्टीपल फीजन नाउ मूविंग डाउन हियर वी हैव डायग्राम फॉर मल्टीपल फीजन इन प्लाज्मोडियम बहुत ही सिंपल डायग्राम है अगेन इंपॉर्टेंट है तो जस्ट आपको ये याद करना है सी दिस इज वॉट पेरेंट सेल ठीक है पेरेंट सेल हो गए न्यूक्लियस आपको पता है सेल में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के साथ वी हैव न्यूक्लियस हेयर तो ये न्यूक्लियस मार्क भी है साइटोप्लाज मार्क भी है अब ये इस न्यूक्लियस ने सेवरल टाइम्स डिवाइड करा ठीक है न्यूक्लियस ने सेवरल टाइम्स डिवाइड करा लो बनाते गए ये बहुत सारे न्यूक्लियाई ठीक अब ये न्यूक्लियाई बहुत सारे बन गए साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और जितने न्यूक्लियाई बने हैं वो सारे क्या फॉर्म करेंगे डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा और यहां पर जब डॉटर सेल्स जो है वो बेसिकली उन मेच्योर uh, हो जाएंगे अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए ठीक तो वो सेल से बेसिकली क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे ठीक और फिर रिलीज होके वो अपना जो भी उनका काम है ग्रोथ है वो कंप्लीट करेंगे ओके नाउ मूविंग टू सेकेंड टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज बडिंग अभी तक हमने एक टाइप पढ़ा एक टाइप हमने क्या पढ़ा फीजन फीजन के विदिन हमने टू टाइप्स पढ़े कौन कौन से बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बडिंग तो बडिंग में बेसिकली क्या होता है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है पेरेंट इंडिविजुअल से कैसे पेरेंट इंडिविजुअल पे एक आउट ग्रोथ डेवलप होता है और उस आउट ग्रोथ से ही न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है राइट right? रिपीटिंग आई एम रिपीटिंग द लाइन पेरेंट इंडिविजुअल पे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा और उस आउटग्रोथ से एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होगा एग्जाम्पल वी हैव इज हाइड्रा ठीक है एकदम अच्छे से याद रखना हाइड्रा बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फॉर द प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई ठीक हाइड्रा में क्या होता है अ बल्जिंग ऑन द बॉडी अपियस बॉडी पे पेरेंट बॉडी के पेरेंट बॉडी पे एक बल्ज अपीयर होता है किस रीजन से वो बल्जिंग अपियर होती है रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन सेल है वहां पर वो रिपीटेड डिवीजन करना स्टार्ट करेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा राइट तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स बन रहा है ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन इसे हम कह रहे हैं बल्जिंग ठीक जैसे बेसिकली हम आउटग्रोथ कह सकते हैं इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एफ एटरल आउट ग्रोथ साइड में ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है लेटरल जिसको हम बेसिकली बोल रहे हैं और इसे हम टर्म देते हैं बर्ड तो वापस से हम बात करें तो पेरेंट बॉडी पे जो इंडिविजुअल पेरेंट है पेरेंट इंडिविजुअल होंगे जो भी उनके बॉडी पे क्या होता है बल्जिंग फॉर्म होती है बल्जिंग क्यों फॉर्म होती है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन और इस रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण एक लैटरल आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है जिसे हम टर्म देते हैं बड़िंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लाइन ये जो बर्ड हैं, वो फर्दर इन लार्ज होते हैं किस तरह से बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करके ये फर्दर इन लार्ज होते हैं अपने साइज में ठीक है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज सी फाइनली जो बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड स्टार्ट बिहेविंग एज अ न्यू इंडिविजुअल अब हम वापस से पूरी स्टोरी और सीक्वेंस रिपीट करते हैं पेरेंट बॉडी है पेरेंट सेल है पेरेंट इंडिविजुअल है, है इनकी बॉडी पे एक बल्जिंग फॉर्म होगी जब ये बल्जिंग फॉर्म होगी तो पहले तो क्वेश्चन है कि कैसे बल्जिंग फॉर्म होगी क्यों होगी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन और इस बल्जिंग को बेसिकली हम कहते हैं क्या आउट ग्रोथ और टर्म हम दे रहे हैं बर्ड इसीलिए प्रोसेस को ही हम कहते हैं बर्डिंग ठीक अब हम डायग्राम देखें इस बर्डिंग प्रोसेस का तो यहां पर यू कैन सी हाइड्रा में बर्डिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है टेन हैं ये हाइड्रा के आपने ऑलरेडी हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है बडिंग प्रोसेस के लिए तो बहुत ही सुंदर प्यारा सा इसका डायग्राम होता है और बहुत ही क्रिएटिव वे में आप डायग्राम बनाते हैं तो प्रॉपरली डायग्राम बनाना है सो so दैट अच्छे मार्क्स सिक्योर हुए हो, हो पाए डायग्राम पार्ट के लिए ठीक तो हेयर यू कैन सी ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है पेरेंट बॉडी हो ठीक पेरेंट इंडिविजुअल है ये पूरा पेरेंट सेल है यहाँ पर यू कैन सी ये जो छोटा सा फॉर्मेशन हो रहा है शुड यूज अ डिफरेंट कलर राइट ओके okay, ये जो छोटा सा यहाँ पर आउट ग्रोथ दिख रहा है दिस वी विल कॉल एज अ स्मॉल बल्जिंग जो बेसिकली सेल डिवीजन के कारण अपीयर हो रहा है और ये बनाएगा एक लैटरल आउट ग्रोथ जो बेसिकली हम कहेंगे जिसको बर्ड और ये देखो यहाँ पर पूरी पूरी तरह से ये जो बर्ड बनना स्टार्ट हुआ था ये पूरा एक इंडिविजुअल बना रहा है तो ये इंडिविजुअल बेसिकली जब कैपेबल हो जाएगा इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस के अब मैं रह सकता हूँ अब मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया हूँ अब मुझे ये पेरेंट इस पेरेंट की जरूरत नहीं है देखो कितना बदमाश है नहीं तो इसे अब पेरेंट बॉडी की जरूरत नहीं बिकॉज ये खुद अपने सारे काम करने के लिए कैपेबल हो चुका है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा अलग हो जाएगा टूट जाएगा जाओ अलग अपना शुरू कर देगा लिविंग तो ये जो पूरा डायग्राम है इट इज फॉर बडिंग प्रोसेस इन हाइड्रा अब हमारे पास एक और लाइन है यहां पर लेट अस गो दिस लाइन ओके जस्ट वेट समाइम्स अ बर्ड में प्रोड्यूस अनदर बर्ड ओवर इट विच इज स्टील अटैच टू द पेरेंट सेल अब इसका मीनिंग क्या हुआ तो मी फर्स्ट रफ फ्यू पार्ट्स ओके जस्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड के लेट मी रव दिस पार्ट तो बेसिकली क्या होता है अभी हमने हाइड्रा में क्या पढ़ा कि जब भी बर्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है हाइड्रा में वो बर्ड जो है फिर कैपेबल जब हो जा रहा है उस प्रॉपरली ग्रो कर लिया बर्ड ने वो जब कैपेबल हो जा रहा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है सेपरेट यू आर सींग दिस वर्ड सेपरेट डिटैच हो जाता है पर कुछ केसेस में क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है ठीक और साथ में दूसरा बर्ड भी प्रोड्यूस करता है लेट अस गो विथ एग्जांपल ऑफ ईस्ट ठीक यहाँ पर क्या होगा पेरेंट बॉडी है ये पेरेंट बॉडी ने बर्ड बनाया अब ये बर्ड जो है ये क्या करेगा अलग नहीं होगा ये दूसरा बर्ड बनाएगा देन थर्ड बर्ड फोर्थ बर्ड मतलब बेसिकली चेन ऑफ बर्ड्स का फॉर्मेशन होते जाएगा चेन चेन ऑफ बर्ड्स चेन देखा है आपने ना अटैच रहता है एक में एक अटैच रहता है तो वैसे ही जो बर्ड है ना वो चेन फॉर्मेशन करते जाएंगे पर पेरेंट सेल से वो डिटैच नहीं हो रहे सेपरेट नहीं हो रहे तो ऐसे में मतलब बेसिकली जो ये बर्डिंग का प्रोसेस हो रहा है इसका एग्जाम्पल याद रखना है ईस्ट जिसमें जो बर्ड फॉर्म हो रहे हैं वो पेरेंट सेल से अटैच्ड रहते हैं और साथ में चेन फॉर्म करते हैं बर्ड्स का ठीक तो ये दोनों प्रोसेस आज हमने कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने पढ़ा अबाउट फीजन फीजन बेसिकली सेपरेशन और फीजन प्रोसेस में हमने टू टाइप्स पढ़े जिसमें हमने पढ़ा क्या बाइनरी और मल्टीपल फीजन नेक्स्ट हमने पढ़ा बर्डिंग जिसमें बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है पेरेंट बॉडी पे ही और जब वो बर्ड मेच्योर हो जा रहा है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जा रहा है सेपरेट हो जा रहा है कैपेबल है ग्रोथ के लिए और एक और केस भी होता है जिसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है ईस्ट जिसमें चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म होते हैं और वो जो बर्ड्स हैं वो पेरेंट सेल से डिटैच नहीं हो रहे हैं पेरेंट सेल से स्टिल अटैच रहते हैं और चेन बनाते जाते हैं ठीक तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है याद रखना बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फीजन अब इस डिफरेंस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स एज वेल एज देयर आर ओके एग्जाम्पल्स एज वेल एज उनके डायग्राम्स को याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पार्ट जो हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे टिल देन जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो पॉसिबल uh, हो उन तक वीडियोज का पहुंच जाना और साथ में जस्ट टेक केयर एवरी Okay, bye bye.